उत्तराखंड की सरोवर नगरी नैनीताल का मौसम एक बार फिर बदल चुका है। जून के महीने तक जहां नैनीताल का तापमान 30 डिग्री तक पहुंच रहा था, वहीं मॉनसून के दस्तक देते ही अचानक तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिस वजह से लंबे समय के बाद नैनीताल वासियों के गर्म कपड़े निकल चुके हैं। इस बार गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। लोगों का कहना है कि कई सालों बाद नैनीताल में 30 डिग्री तापमान देखने को मिला था, जिस वजह से मई जून में पहली बार नैनीताल के घरों में साल भर चलने वाले गीजर भी बंद हो गए थे। साथ ही नैनीताल जैसी ठंडी जगह में भी गर्मी से निजात पाने के लिए लोगों ने पंखे का सहारा लेना शुरू कर दिया था। बीते दिनों शुरू हुई बारिश के बाद नैनीताल में ठंड पड़ने लगी। स्थानीय निवासी देवकी नंदन ने लोकल 18 से खास बातचीत के दौरान बताया कि पिछले 3 दिनों की बरसात के कारण नैनीताल में ठंड बढ़ चुकी है, जिस वजह से गर्म कपड़े निकल गए हैं। गर्म कपड़े निकल गए, ये बारिश के कारण एकदम ही ठंड हो गई, तो गर्म कपड़े निकल गए। गर्मी इतनी थी कि एक ही दिन में 600-700 पंखे बिक गए थे बीच में, तो काफी अच्छी गर्मी हुई है। ऐसी गर्मी तो हमने इतने सालों में कभी देखी नहीं। अभी इसके उससे बारिश के उससे ठंड आ गई है, ये वो बस अभी तो जैकेट ही निकली है। हाँ, धीरे धीरे अब ठंडे का मौसम बढ़ता रहेगा। ये 6-7 दिन हो गए लगातार बारिश होते हुए रात दिन। वही गर्म कपड़ों की दुकान लगाने वाले व्यापारी कौसर अंसारी ने बताया कि जिस हिसाब से मैदानी इलाकों में अभी भी गर्मी का सितम जारी है, वहीं नैनीताल का मौसम इन दिनों सुहावना बना हुआ है। अरे बहुत अच्छा असर पड़ा है, अच्छी ठंड हो गई है यहाँ पे आके। ये समझ लीजिए क्या जो पब्लिक नीचे परेशान है वो, मैं तो कहता हूँ नैनीताल में आए और यहाँ के मजे ले, इतनी ठंड पड़ गई है सुबह शाम की। और हम स्वेटर बेच रहे थे, ठंड के कपड़े निकल गए और टूरिस्ट को भी बड़ा आराम मिल रहा है, वो ठंड के कपड़े खरीद रहे हैं। ये स्वेटर की शॉप है, ये लगी है पीछे, टूरिस्ट अच्छा खासा ले जाता है, जिसको ठंड लगती है वो ले जाता है। हाँ ठंड भी आ गई, ये बरसात का है ना, बरसात पहाड़ों के अंदर बरसात होती है तो ठंड अच्छी आती है, ये वाली वजह। ये अभी 10-12 दिन से बरसात हुई। नैनीताल से तनुष पांडे की रिपोर्ट।